hello guys this is geologist ak and i am here to talk about homologous recombination and first i will talk about homologous recombination in case of eukaryotes although this homologous recombination occur in all the three domains like bacteria eukaryotes and archaea but today i'm going to talk about eukaryotic homologous recombination and in this part of my video i will talk about different types of proteins and the introductory part like how does this double strand break occur because this homologous recombination is just the mechanism that occur to repair the dna or double strand breaks and to uh, produce recombinants. So, this will be the uh, basic uh, or uh, part of eukaryotic homologue recombination, in which I will talk about different types of proteins, genes, and their mutations. So, let's begin with me. लेट्स अंडरस्टैंड होमोलोगस रिकम्बिनेशन होमोलोगस रिकम्बिनेशन एक जनरल रिकम्बिनेशन प्रोसेस है जो आइडेंटिकल और नियरली आइडेंटिकल क्रोमोजोम्स में होती है इसका मतलब ये है कि जो पैटर्नल क्रोमोजोम्स हैं और मेटरनल क्रोमोजोम्स हैं दोनों क्या होंगे आइडेंटिकल होंगे किसमें डीएनए सिकवेंस में डी एन में आइडेंटिकल होने का मतलब ये है मान लो hmm. दोनों ही क्रोमोजोम में जो जीन प्रेजेंट होगा यहाँ पर जो जीन प्रेजेंट होगा तो मान लो ये पैटर्नल क्रोमोजोम है ये मेटरनल क्रोमोजोम है तो पेटर्नल क्रोमोजोम तो, में यहाँ पर जो जीन है, जिस ट्रेट को ये इनकोड करेगा उसी को यहाँ पे जो में जीन प्रेजेंट होगा वो भी इनकोड करेगा मान लो ये यहाँ पे हमारा स्मॉल भी है और यहाँ पे कैपिटल भी है पर दोनों ही हेयर को कोड कर इनकोड कर रहे हैं हेयर फिनोटाइप को इनकोड कर रहे हैं मीन्स दोनों ही क्या है एक सेम ट्रेड को इनकोड कर रहे हैं बट उनकी जो एलील्स है वो डिफरेंट हो सकती हैं बट उनका जो फिनोटाइप है जिसको वो कोड करेंगे वो सेम होगा और उनकी लोकेशन जो चीन प्रेजेंट होंगे क्रोमोजोम में वो भी सेम होंगे सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे इसीलिए इसको होमोलोगस क्रोमोजोम बोला है और ये उन्हीं क्रोमोसोम के बीच में होती है जो आइडेंटिकल सीक्वेंस कंसिस्ट करते हैं लाइक पैटर्नल और मेटरनल क्रोमोसोम द बेस्ट एग्जांपल इज़ द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द पैटर्नल मेटनल क्रोमोसोम पेयर इट इज नो इट इज़ ए नोन फैक्ट दैट क्रोमोसोम आर नॉट पास्ड ऑन इंटैक्ट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जैसे हम बोलते हैं इसका मतलब क्या है इस लाइन का कि इंटैक्ट पास नहीं होते इंटैक्ट का मतलब है कि यहाँ पर मान लो एक फॉर uh, एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये पैटर्नल है और ये मेटरनल है तो ये पैटर्नल सिक्वेंस है और ये मेटरनल सिक्वेंस है ये फादर का ये मदर का है तो ये सीक्वेंस एज इट इज पास ऑन हो नहीं होगा चाइल्ड में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिकम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू ये दोनों रिकम्बाइन हो गए हैं और एक न्यू सीक्वेंस सिक्वेंस आस विल पास इन द डॉटर प्रोजेनी और आदर दी सिक्वेंस विल पास तो जो भी चाइल्ड प्रोड्यूस होगा वो रिकम्बाइंड होगा वो एज इंटैक्ट जो क्रोमोजोम है जो इंटैक्ट सिक्वेंस है क्रोमोजोम में वो एज इट इज पास नहीं होगा इट दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स तो ये किसकी वजह से होता है होमोलोग्री कम्बिनेशन की वजह से होता है और यहाँ पे जो होमोलोग्री कम्बिनेशन है जो कि मैंने एच से डिनोट किया है ये सेल्स के थ्रू जो डैमेज रिपेयर होता है डैमेज हो जाता है जैसे अल्ट्रा वायल्ट से या भाई इंफ्रा रेडिएशन से ये डिफरेंट जो एंडोजीनस और एग्जोजीस पाथ्वें पाथ हैं जिसके थ्रू डैमेज होता है डी में उसको रिपेयर करने के लिए भी ये हो, होमोलोग्री कम्बीशन का यूज किया जाता है बाय

यहाँ पे सीक्वेंस आ रहा है तो ये कम्बिनेशन देता है सीक्वेंस का ड्यूरिंग म्यूसिस विच फर्दर जनरेट वेरिएशन जिसकी वजह से वेरिएशन आती है वेरिएशन आएंगे तो जो सिलेक्शन होगा नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नेचुरल सिलेक्शन जो होगा जिसमें पॉजिटिव सिलेक्शन होता है नेगेटिव सिलेक्शन होता है डिपेंड करता है कि जो रिकम्बीनेंट आ रहा है उसकी अडेप्टेबिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या उसका मेटाबोलिज्म कैसा है तो डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे काउंट होते हैं तो इट इज़ ए इट इज़ यूज टू एक्सचेंज डिफरेंट स्ट्रेन जैसे हम बैक्टीरिया की बात करें बैक्टीरिया वा, या वायरस की बात करें जैसे डिफरेंट प्लाजमिट्स हैं तो वो क्या करते हैं डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट बैक्टीरियाज में भी अपने स्ट्रेन को कैसे ट्रांस ट्रांसफर करते हैं डिफरेंट रिकम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन कंजक्शन के थ्रू या ट्रांसडक्शन प्रोसेस के थ्रू तो ये डिफरेंट ये थ्री डोमींस में पाए जाते हैं तो ये यूनिवर्सल मैथड है बैक्टीरिया में भी मिलता है हरकिया में मिलता है यूकेरियोट्स में भी मिलता है वायरस में भी मिलता है तो इट इज़ फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग एंड ओन ऑल टाइप्स ऑफ वायरसेस इंक्लूडिंग दी वायरस डेट कंसिस्ट डी एन एज ए जेनेटिक मटीरियल एंड वायरसिज डेट कंसिस्ट आर एन एज ए जेनेटिक मटेरियल इसीलिए हम होमोलोगी रिकम्बिनेशन को एक यूनिवर्सल मैथड का नाम भी देते हैं और यूनिवर्सल मैथड है ये दिस इज़ दिस्ट्री ऑफ दिस रिकम्बीन प्रोसेस क्योंकि इसमें हम जो मैंडल है मैंडल के लाल लोगों को हम क्या करते हैं वो फॉलो नहीं करता कम्प्लीट लिंकेज जब होता है रिकम्बिनेशन के थ्रू तो यहाँ पर जो हमें पता है कि मैंडल का जो इन्हेरिटेंस का प्रिंसिपल है वो एटीन सिक्सटी सिक्स में आया था फिर बैट्स इनिपेंडेंट ने क्या दिया था कि जो जीन्स होते हैं वो एक साथ इन्हेरिट होते हैं जैसे लिंक्ड जीन में होता है कि दोनों जीन जो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड में क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर एक्सचेंज जाते हैं तो ये जो मैकेजम uh, है ये दिया था बैटसन एंड प्य ने फिर मोर्गन एंड स्टूर्ट ने दिया था कि क्रॉस ओवर होती है लिंक्ड जीन के बीच भी जिसने लिंकेज दिया था मोर्गन ने उस टाइम पर उसने बोला कि जो लिंक्ड जीन होते हैं जो बिल्कुल क्लोजली uh, लाइक करते हैं क्रोमोजोम पे उनमें भी क्या होता है क्रॉस ओवर होता है फिर मैके इंटन ने क्या दिया था क्रॉस ओवर हैपन्स बहुत ही म्यूसिस एंड माइटोसिस एंड देन नाइनटीन फोटी सेवन में लिडरबर्ग ने यह फाउंड आउट किया था कि जो बैक्टीरिया है उनमें भी रिकम्बिनेशन होता है और वो काफ़ी हद तक सिमिलर है यूकैरियोटिक रिकम्बिनेशन के एंड 1964 में रोबिन होलीडे ने हॉलीडे जंक्शन दिया था जो हम यूकैरियोट्स के केस में पढ़ते हैं पढ़ते हैं हम बैक्टीरिया के, के केस में भी मेनली हम यूकैरियोट्स के, के केस में पढ़ते हैं 1983 में जैक सजोक ने दिया था डबल स्ट्रैंड ब्रेकिंग रिपेयर पाथवे डबल स्ट्रेंड ब्रेक जो होता है उसको रिपेयर करने का बाद काफ़ी हद तक ये सिमिलर होता है होलीडे जंक्शन से बट देर इज लिडल डिफरेंस बिटवीन दैम इन दिस डिफरेंट मॉडल्स ऑफ रिकम्बिनेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन माई इन अपकमिंग वीडियो सो टूडे आई आई विल टॉक अबाउट जस्ट अबाउट प्रोटीन्स एंड वट आर देयर रोल्स एंड वट इज़ द म्यूटेशन दे क्रिएट सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वो है कि होमोलोगस जो रिकम्बिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है क्रोमोजोम के सेग्रीगेशन के लिए जब म्यूसिस में सेग्रीगेशन होता है क्रोमोजोम का डोटो सेल्स में जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है और ये सेग्रीगेशन क्यों होता है ताकि जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके जेनेटिक मटेरियल का और वहाँ पे कुछ पोलीप्लोइी ना हो और इम, जो हमारा एग्जैक्ट नंबर है क्रोमोसोम का वो मेंटेन हो जाए क्योंकि यहाँ पे डबल हो जाता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है तो जो म्यूसिस है वो क्या करता है दो राउंड्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर डिवीजन के जिसकी वजह से रिडक्शन हो जाता है डिप्लोइड से हैप्लोइड में कन्वर्ट हो जाता है जेनेटिक मटीरियल्स और यहाँ से टू एन से वन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोज़ोम्स तो यहाँ पे जो टू होमोलोगस क्रोमोसोम शो किए गए हैं एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में जिनमें यहाँ पे एले शो की गई है ए बी और कैपिटल्स e, um, में और एक स्मॉल लेटर्स में दीज आर एलेस डेट कोड फॉर सेम ट्रेड इन बोथ ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम्स इट शोज़ हाउ द क्रोमोजोम्स आर कन्फिगर्ड ड्यूरिंग दिस टू डिवीजन साइकिल्स डिवीजन से पहले क्या होता है सेल में दो कॉपी होती है ईच क्रोमोजोम्स की मेटरनल की पेटर्नल की दो कॉपी होती है है ना होमोलोगस क्रोमोजोम्स की जो इनहेरिट होती है पेरेंट्स से ड्यूरिंग एस फेज दीज क्रोमोजोम आर एप्लीकेटेड टू गिव ए टोटल डी एन कॉन्टेंट और कितना हो जाता है वो कॉन्टेंट फोर एन हो जाता है जब एस फेज आती है तो जो प्रोडक्ट है रेप्लीकेशन का वो क्या होगा सिस्टर क्रोमेटिड्स जो यहाँ पे शो होते हैं हमारे डबलेट हो जाते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड शो हो रहे हैं ये जो हैं ये क्या है सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक साथ स्टे करती हैं देन जो प्रिपरेशन होती है फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन की तो ये जो डुप्लीकेटेड होमोलोग क्रोमोजोम है ये क्या कर लेते हैं पेयरिंग अप कर लेते हैं जो यहाँ पे की गई है पेयरिंग अप हो जाती है उनकी और वो पेयर कर लेते हैं और अलाइन करते हैं सेंटर में सेल के डिवीज़न के टाइम पर तो ये जो पेयरिंग है ये क्या क्यों होती है ये होमोलोगस रिकम्बिनेशन की लिए होती है क्योंकि रिकम्बाइन होना है होमोलोगस क्रोमोसोम्स को और नॉन सिस्टर जो क्रोमेटेड है उनका एक्सचेंज होना है यहाँ पे जैसे कि इसमें शो किया गया है पिक्चर में तो फिर यहाँ पे क्या होता है जो हमारे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स हैं फिर यहाँ पे क्या होता है ये जो रिकम्बिनेशन है वो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन से पहले ही कंप्लीट हो जाता है प्रोफेज में होता है पैकेटिंग स्टेज में होता है ये उस टाइम पे जब यहाँ पे क्लाजमा फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे होता है तो ये हमारे फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन में ही कंप्लीट होना होता है जिस जब होम लोग प्रॉपर्ली अलाइन करते हैं और सेपरेट करते हैं तो जो सिस्टर क्रोमेट्स हैं इस टाइम पर क्या रह जाते हैं वो पेयर पेयर्ड हो जाते हैं और सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन जब होता है तो ये सिस्टर क्रोमेटेड सेपरेट हो जाते हैं सेपरेट होने के बाद जो इनका प्रोडक्ट आता है वो क्या देता है फोर गैमिट्स देता है जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है फोर गैमिट्स दे रहे हैं तो जब ये देता है फोर गैमेट्स तो वो ईच जो गैमेट की कॉपी है वो फोर डिफरेंट सेल्स में चली जाती है जैसे हमें पता है म्यूसिस में एक सेल फोर सेल में डिवाइड होती है तो वो फोर गैमेट्स जो हैं वो फोर सेल्स में डि चले जाते हैं अगर रिकम्बिशनेशन नहीं होता है तो जो क्रोमोजोम्स हैं वो अलाइन नहीं कर पाते प्रोपरली फर्स्ट म्योटिक डिविजन में जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है क्रोमोजोम का लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये जो इम्प्रॉपर तो इसकी वजह से इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन होता है क्रोमोजोम का और वो जो मकैनिज़्म uh, है उसको हम यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन जंक्शन विच लीड टू ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स विदाउट अ करेक्ट क्रोमोजोम कॉम्प्लीमेंट तो वो गैमेट्स uh, जो हैं उनमें या तो कम नंबर होगा बहुत ही कम नंबर होगा या बहुत ही ज़्यादा कम uh, नंबर होगा क्रोमोजोम्स का तो वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाते जो फर्टिलाइजेशन होता है तो इस वजह से ये एक फेलियर है होमोलोगस रिकम्बिनेशन का जिसकी वजह से पुअर फर्टिलिटी आती है टोटल सेल्स के अंदर तो जो होमोलोगस रिकम्बिनेशन है वो एक ऐसा इवेंट है जो म्यूसिस के टाइम पे होता है और म्यूटेटिक रिकम्बिनेशन करता है और प्रॉपर सेग्रीगेशन करता है क्रोमोजोम्स का और ताकि प्रॉपर डेवलपमेंट हो उसके और प्रॉपर एक्सचेंज हो सके जेनेटिक मटेरियल का टोटल सेल्स में और वो प्रॉपरली डेवलप कर सके और आगे रिप्रोड्यूस कर सके उनकी फर्टिलिटी मेंटेन हो सके यहाँ पे जो शो किया गया है ये म्यूटिटिक रिकम्बी शो किया गया है होमोलोगस क्रोमेटेड के बीच में जैसे यहाँ पर पे जब पेयरिंग होती है तो एस पी ओ इलेवन प्रोटीन होता है वो क्या करता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक करता है जिसकी वजह से एक स्ट्रैंड में क्या होता है लेसेंस क्रिएट होते हैं और वो दूसरे स्टैंड को जो इंटेक्ट स्टैंड है वो दूसरे स्टैंड को जो कि होमोलोगस कोर्स होता है उसके सीक्वेंस में उसको आइडेंटिफाई करता है और पेयरिंग अप करके यहाँ पे क्या दे देता है रिकम्बिनेंट ये क्या शो कर रहे हैं रिकम्बिनेंट क्रोमोजोम दे देता है जिसकी वजह से वेरिएशन आ जाती है डोटर सेल्स में बट अगर ये नहीं हो पाता तो उस टाइम पे बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट क्रिएट होते हैं यहाँ पे जब रिकम्बिनेशन प्रोसेस होती है तो उसके लिए जो मेजर स्टेप है वो होता है डीएनए ब्रिक्स तो जो डबल स्ट्रैंडेड होता है हमारा डीएनए तो उसमें ब्रेक होने की जरूरत है जब तभी तो क्या होगा स्ट्रैंड एक्सचेंज हो पाएंगे एक दूसरे के साथ और रिकम्बिनेशन हो पाएगा तो जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक हैं डीएनए में वो अराइज होते हैं फ्रीक्वेंटली मतलब वो किसी भी रीजन से अराइज हो जाते हैं तब मेज़र मैकेनिज्म जो होता है वो यूज़ किया जाता है इन डबल स्टैंडर्ड ब्रेक को फिल करने के लिए और रिपेयर करने के लिए मोस्ट सेल्स में वो होता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन के थ्रू कुछ सेल्स सिमिलर मैकेनिज्म यूज करती हैं वो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स का यूज नहीं करती और ऐसे क्रोमोसोम का यूज नहीं करती जिसमें जो सिक्वेंसिंग है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हो इसलिए उनको कहते हैं हम नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग जो हील करती है क्रोमोसोम को हीलिंग का मतलब यहाँ पे है कि जो ब्रेक को रखा है डबल स्ट्रैंड उसको रिपेयर करके और उसको गैप को फिल कर रही है इसलिए इसको हीलिंग बोला गया है तो जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स हैं वो रेप्लीकेशन फोक में स्टॉलिंग प्रोसेस के थ्रू भी होती है स्टॉलिंग का होता मतलब ये है कि जब रेप्ली रेप्लीकेशन फोर्थ में यहाँ पे पोलिमरेज जब मूव कर रहा होता है रेप्लीकेशन के टाइम पे डी एन ए मूव करता है और पोलिमराइजेशन करता है उस टाइम पे कई बार क्या होता है जिस स्ट्रैंड को वो एज ए टेम्पलेट मान के चल रहा है और सेंस स्ट्रैंड जो होता है उसमें क्या है कहीं पे जो रोंग बेस पेयर प्रेजेंट होता है इस वजह से वहाँ पे डीएनए जो ए है वो स्टॉल हो जाता है वो पोलियमराइजेशन रिएक्शन नहीं करता तो वहाँ पे गैप क्रिएट करता है वो और एक्जोन्युक्लियस एक्टिविटी भी होती है इस वजह से ये जो स्टॉलिंग है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डीएनए की वो अनयूजफुल होती है उसकी वजह से बहुत सारी म्यूटेशन क्रिएट हो सकती हैं तो वो बहुत सारे लेसन्स जो क्रिएट होते हैं और पोलिम्रेस की जो ब्लॉकिंग होती है या ऑक्सीडेशन लेसन्स की वजह से या एबेसिक एबेसिकसाइड्स की वजह से या केमिकल की वजह से या इन जो जनरेटेड इंटरस्टैंड क्रॉस लिंक्स हैं उनकी वजह से या कोलिजन होता है ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स में उनकी वजह से बहुत सारे यहाँ पे डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं डीएनए uh, में और बहुत सारे डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करने के लिए यहाँ पे होमोलोगस रिकम्बिनेशन का यूज किया जाता है तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो ये है पिक्चर इसमें क्या शो किया गया है ये शो किया गया कि जो डीएनए एन टेम्पलेट है उसमें जब डैमेज होता है तो वो क्या करता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक की फॉर्मेशन करता है दि, दि, के के टाइम पे जैसे कि फोर्क फोर्क का फॉर्म होती है जब इनिशिएशन होता है डीएनए डीएनएन का तो यहाँ पे ये यह फोर्क क्या दिखा रही है कि भी डीएनए होता है उस टाइम पे डबल स्टैंड ब्रेक क्रिएट होती हैं और वो क्या करते हैं डैमेज क्रिएट करते हैं डीएनए में तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है कि निक है टेम्पलेट स्टैंड में जो कि यहाँ पे शो किया गया है तो फोर्क क्या हो रहा है कोलेप्स हो गया मतलब वहाँ पे डबल दिद ब्रेक क्रिएट हो गया कि दोनों जो स्ट्रैंड है वो क्या होगी सेपरेट आउट हो गए डबल स्टैंड से वो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो गया जैसे वो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा म्यूटेशन क्रिएट होंगी और जो हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस है और जो डीएनए पॉलीमरेज़ है वो स्टॉल कर जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगी और जो ये डीएनए लेसन ए लेसनस हैं में जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि ये जो है जो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हो रही दो स्ट्रेंड्स की एक स्ट्रेंड जो है ओवर जो है यहाँ पे मुड़ा हुआ शो कर रखा है तो ये जो लेसन हैं ये क्या करते हैं फोर्क को कोलैप्स कर देते हैं जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है जिसकी वजह से फोर्क रिग्रेशन क्रिएट होता है और डबल स्टैंड जो है ब्रेक्स क्रिएट होते हैं तो वो जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स हैं यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं रिकम्बिनेशन प्रोसेस को करने के लिए ताकि रिकम्बीनेंट्स प्रोड्यूस हो सकें तो ये जो डबल ब्रेक्स हैं ये डिफरेंट मैकेनिज्म से होते हैं कुछ तो होता है कि ऑटोमेटिकली एंडोजीनियस मैकेनिज्म के थ्रू हो गया एंडोजीनियस मैकेनिज्म के हो गया और कुछ कुछ पर्टिकुलर यू के रूट्स में जैसे कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स के थ्रू किए जाते हैं जैसे एस पी ओ इलेवन क्योंकि वेरिएशन क्रिएट करनी है अगर डबल स्टैंड ब्रेक खुद से नहीं हो रहा तो वो क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि नई वेरिए वेराइटी देनी होती है नेचर को और ये हमारा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है और जो अभी इतना आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि भाई कैसे ये क्यों क्या मैकेनिज्म है कि एस ओ एस पी ओ इलेवन जो है वो ब्रेक क्रिएट करता है और डबल स्टैंड ब्रेक क्रिएट करता है क्या जरूरत है उसको बिना रिकम्बिनेट रिकम्बिनेशन के भी तो आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है तो वो सब प्रोसेस क्योंकि रिकम्बिनेशन नहीं होगा तो फिर वही हो जाता है कि पोलिप्लोयडी ोयडी वगैरह आ जाती है और सारे बर्थ डिफेक्ट आ जाते हैं लेट इस अंडरस्टैंड कि सेल कैसे प्रोग्रामिंग करती है और जनरेट करती है डबल स्ट्रैंड ब्रेक डीएनए में म्यूसिस के टाइम पे ऐसा जो सेल है वो प्रॉपर सेल डेवलपमेंट की और प्रॉपर म्योटिक डिवीजन के लिए करती है और वो डिफरेंट जीन को एक्टिवेट करके ऐसा करती है उनमें से एक जीन होता है एस जो क्या करता है एस प्रोटीन को इनकोड करता है ये टू सब यूनिट कंसिस्ट करता है जो कि यहाँ पर शो की गई है और जो ये एस है एक पर्टिकुलर साइट को रिकोगनाइज करके क्लीव करता है डी एन

करती है इसका जो टैरोसिन रेजिड्यून में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो फोस्फिट ग्रुप के साथ क्या कर लेता है बोन बना देता है और दो न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है स्टैगर डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट हो जाता है एस पी ओ इलेवन के थ्रू तो ये जो एस पी ओ इलेवेंथ शेयर करती है इस डी एन एक्वेज मैकेनिज्म को विद डी एन ए टोपो आइसोमेज वो भी ऐसे ही करता है उसमें भी टाइरोसिन होता है और उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो भी फोसफेट जो ग्रुप होता है उससे जाके अटैक करता है और उसी बोंड को तोड़ के उस बोंड से टूटने पर जो एनर्जी आती है उसी का यूज़ करके वो कोवलेंटली बोंड कर फॉर्म कर लेता है फोस्फेट के साथ तो यहाँ पर कोई एनर्जी लॉस नहीं होता तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होता है जो है वो है बोन तोड़ना और फोसोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना दूसरा है कोवलेंट बोन फॉर्म करना एक सब यूनिट का जो एस फर्स्ट की फर्स्ट इलेवन की है विद फोस्फिट ग्रुप डेट इज़ प्रेजेंट द बैकम ऑफ डी एन ए तो जो एस पी ओ इलेवन क्लीविज है ये एक कोवलेंट प्रोटीन है जो डी एन ए कॉम्प्लेक्स को क्लीव कर रहा है पर इसके दो कॉन्सिक्वेंस होते हैं फर्स्ट कि जो फाइव प्राइम एंड होता है डी एन ए का एट द साइट ऑफ एस पी ओ इलेवन वो क्लीव किया जाता है कोवलेंटली और वो बाउंड हो जाता है डी एन ए से इट इज़ दीज एस पी ओ इलेवन एस पी ओ इलेवन एस पी ओ इलेवन लिंक्ड फाइव प्राइम डी एन ए एंड क्रिएट होता है जो कि इनिशियल स्टेप होता है डी एन ए प्रोसेसिंग के लिए टू क्रिएट द सिंगल स्टैंड डी एन ए टेल जिसकी रिक्वायरमेंट होती है रैक ए के लिए जो कि हमारा जो रैक ये होगा ये होगा बैक्टीरिया के केस में और एम एक्स एम आर एक्स होगा एम आर एक्स यू कैर के केस में वो ओ जो फाइव प्राइम एंड क्रिएट किया जाता है जैसे कि यहाँ पे थ्री प्राइम से यहाँ पे फाइव प्राइम ये फाइव प्राइम एंड क्रिएट कर दिया फाइव प्राइम एंड मीन्स फाइव प्राइम सिंगल स्टैंड एंड क्रिएट किया गया है एस पी ओ इलेवन के थ्रू तो जो ये एंड क्रिएट किया गया है ये प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वहाँ पर एक एंजाइम होता है रैक ए जो इस फाइव प्राइम एंड को यूज़ करता है अगर यू की बात करें तो उसमें होता है एम आर एक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स तो ये उस फाइप्राइमेंट का यूज करता है डीएनए की प्रोसेसिंग करने के लिए और इनिशिएट करने के लिए डीएनए स्ट्रेड इनवेजन इनवेजन मतलब वो इन्वेज करते हैं और इन वो मूव करते हैं एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड में और सेकंड यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस होता है कि जो एनर्जी है क्लीव्ड डीएनए की जो फोसफोडाइजेस्टर बोन्ड यहाँ पे टूट रहा है डीएनए की बैकबोन में वो स्टोर हो जाती है इन बाउंड प्रोटीन डीएनए एन लिंकेस जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो फोसफोडाइजेस्टर बॉन्ड की एनर्जी है वो यहाँ पे इस सब यूनिट ने यूज़ कर लिया है एस पी ओ इलेवन की टू फॉर्म द बोंड टू विद दिस फोर्सफिट ग्रुप तो यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड है वो रीसील किए जाते हैं बाय सिंपल रिवर्सल ऑफ द क्लीवेज रिएक्शन और जब ये सब यूनिट इससे क्लीव कर जाएगी फोर्स फेरते दोबारा से ये जो गैप है ये रीसील हो जाएगा तो ये केमिकली जो है एडवांटेजियस स्टेप होता है और यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होती तो दिस री सीलिंग कैन ओकर वैन सेल रिसीव ए सिग्नल टू स्टॉप प्रोसीडिंग विद मियोसिस सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक ड्यूरिंग मियोसिस प्रोसेस ये यहाँ पे प्रोग्रामिंग डबल स्टैंडर्ड ब्रेक नहीं है ये है कि डिफरेंट मकैनिजम्स कैसे इंड्यूस करते हैं डीएनए में डबल स्टैंड ब्रेक तो यहाँ पे शो किया गया कि एक भी पार्टिकल अगर आईआर का और इनफ्रा रेड पार्टिकल इंट प्रोड्यूस होता है तो वो मल्टीपल क्लस्टर प्रोड्यूस करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के जो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीडाइज्ड डी एन ए बेस ऑक्सीडाइज डीएनए बेस है कि नाइट्रोजनियस बेसिस हैं जैसे है गवानीन थायमिन है साइटोसिन उनको ऑक्सीडाइज करा तो यहाँ पे ओ एक्स जो डिनोट करा वो करा कि यहाँ पर इनप्रॉपर बेस पेयर प्रेजेंट है इन प्रॉपर नाइट्रोजिनियस बेस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है और ए पी यहाँ पे डिनोट करिए ए एप, प्योरेनिक और ए पिरामिडिनिक साइट और ए प्योरेनिक और ए पिरामिडिक बेस पेयर तो ये बेस पेयरिंग है जो यहाँ पे सिंगल स्टैंड स्टेबलाइज कर दिए जाएंगे और वो स्टेबलाइज क्यों करेगा क्योंकि यहां पे होंगे। और यहां पे होगा। वो किसके थ्रू होगा के जो किसको करेक्ट करेगा यहाँ पे ऑक्सीडाइज बेसिस को और साइट क्रिएट हुई है वो ए पी एंडोनुक्लेस उसको करेक्ट करेगा और जो वो करेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा वो लेसेंस क्रिएट करेगा और गैप क्रिएट करेगा जिसकी वजह से सिंगल स्टैंड फॉर्म होगा तो यहाँ पे सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन उसको स्टेबलाइज कर देगा जो बाद में पोलिंग बीटा के थ्रू एंड यहाँ पे डिफरेंट अदर्स जो डीएनए एन हैं डीएनए एन लाइगेज थर्ड ये यहाँ पे जो शो कर है डी एन थर्ड एल्फा उसके थ्रू और ये यहाँ पर एक डिफरेंट प्रोटीन है एक्स आर सी सी वन ये एक्ट करेगा और इसकी वजह से ये क्या कर देंगे ये इसको फिल कर देंगे डीएनए के गैप को बट उससे पहले क्या होगा यहाँ पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक फॉर्मेशन होगी और जब ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक फॉर्मेशन होगी तो ये यहाँ पे क्या होगा रिकम्बिनेशन प्रोसेस होगी तो ये डिफरेंट मकेनिक मैजिस के थ्रू डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट होते हैं डी में जो पिक्चर है यहां पे ये शो कर करिए कि जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक है वो कैसे रिपेयर किए जाते हैं वो नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन के थ्रू किए जाते हैं नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मेथड के थ्रू और सिंगल स्ट्रैंड एनिलिंग के थ्रू सिंगल स्ट्रैंड एनिलिंग के थ्रू जिसमें ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है स्टमलेट करता है रेड फिफ्टी नाइन और एस जो यहाँ पर रेप्लीकेटिंग प्रोटीन ए है और इनिवेट करता है एस एस ए जो कि मैकेनिज्म होता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन का और ये यहाँ पे नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन एंड जॉइनिंग मेथड को शो किया गया कि वो कैसे इंट्रैक्ट एस के यू सेवेंटीन का इंट्रोडक्शन करता है सिम के साथ और कैसे वो क्या करता है रिपेयर करता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक को और होमोलोगेशन आइबोजोमल डीएनए को भी रिपेयर करेगा डीएनए रेप्लीकेशन के टाइम पर भी जो ब्रेक्स आएंगे उसको भी कैटेलोमर में जो आएंगे उसको म्यूसिस के टाइम पर जो आएंगे उसको तो डिफरेंट मैकेनिज्म यहां पर शो किए गए हैं जिसके थ्रू यहाँ डबल स्ट्रैंड ब्रेक डीएनए का रिपेयर किया जाता है लेट लेटेस्ट अंडरस्टैंड द म्यूटेटिक रिकम्बिनेशन पाथवे की कैसे होता है म्यूटेटिक रिकम्बिनेशन पाथवे हम यहाँ पे बात करें यू कैरियर की तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि यहाँ पे ये दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड थे वो होमोलोगस स्ट्रैंड थे तो वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक क्रिएट किया गया यहाँ पे रीप्रोग्रामिंग करके म्यूसिस में डिफरेंट जीन्स की जीन्स के को एक्टिवेट करके यहाँ पे सेल ने रीप्रोग्रामिंग की है जिसकी वजह से यहाँ पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट किया जा रहा है एस पी ओ इलेवेन प्रोटीन के थ्रू जिसकी दो तो सब यूनिट जब वो बाइंड हो जाती हैं उसके बाद यहाँ पे एम आर एक्स जो है कॉम्प्लेक्स वो बाइंड होता है और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्ट्रैंड की प्रोसेसिंग करता है तो जहाँ पे एस पी ओ इलेवन और जो एम आर एक्स है ये दोनों ही कपल्ड मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं और कोऑर्डिनेशन होता है इन दोनों जो प्रोटीन्स हैं इनके बीच में और जो एम आर एक्स है यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिसेक्शन के लिए और स्ट्रैंड इन्वर्जन के स्ट्रैंड इन्वेजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये प्रोसेसिंग भी करता है डीएनए की और ये रिसेक्शन फॉर्म करता है किसका फाइव प्राइम एंड का रीसेक्शन फॉर्म करता है फाइव प्राइम एंड पे तो यहाँ पे जब डबल स्टैंड ब्रेक क्रिएट हो जाते हैं तो उसके बाद एस पी ओ इलेवन जो है वो यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है जो एम आर एक्स जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है यहाँ पे फ़ाइव प्राइम एंड की री सेक्शन करता है सेक्शन यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पे स्ट्रेंड एक्सचेंज हो सकें तो जो स्ट्रेंड एक्सचेंज प्रोटीन है यहाँ पे सेक्शन के बाद वो बाइंड होते हैं डी एम सी फर्स्ट और रेड फिफ्टी वन बाइंड होते हैं वो असेंबल्स हो जाते हैं सिंगल स्टैंड डी एन ए प्रोटीन्स पे और सिंगल स्ट्रैंड डी एन ए टेल पर जो कि फाइव प्राइम एंड पे क्रिएट की गई हैं जिसकी वजह से दो नो प्रोटीन जो है वो रिकम्बिनेशन प्रोसेस में बाइंड होते हैं और यहाँ पे स्ट्रैंड इन्वे, इन्वेजन करते हैं जिसकी वजह से स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में और रिकम्बिनेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है सो दिस इज़ द जनरल पाथवे कि कैसे रिकम्बिनेशन पाथवे परफॉर्म किया जाता है डिफरेंट प्रोटीन्स के थ्रू और इंजेम्स के थ्रू यूकेरियोड्स में तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस कि कैसे डबल स्ट्रेंड ब्रेक क्रिएट होते हैं कैसे ये रिपेयर मैकेनिज्म चलता है कैसे रिकम्बिनेशन होता है तो ये सारा जो मैकेनिज्म है ये इस पिक्चर में एक्सप्लेन किया गया है कि जब रेप्लीकेटिव स्ट्रेस आता है उसके बाद उसमें या डिफरेंट जो एक्जोजीनस और एंडोजीनस पाथवे के थ्रू डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू अल्ट्रावाइलेट रेडिएस रेडिएशन के थ्रू इन्फ्रा रेड रेडिएशन के थ्रू और ये क्या होते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट होते हैं रेप्लीकेटिव स्ट्रेस जब आता है उस टाइम पर यहाँ पर ए और ए जो हैं वो क्या होते हैं एक्टिव ए टी आर और ए टी एम दोनों ही क्या हैं ये है सीरें थ्रियोनिन काइनीस फैमिली से रिलेट करने वाले यहाँ पे ये एंजाइम या प्रोटीन्स तो यहाँ पे जो ए टी आर है वो यहाँ पे एक्टिवेट किया जा रहा है आ, यहाँ पे एक्टिवेट किया जाए आर पी ए वन के आर पी ए के थ्रू आर पी ए यहाँ पे रेप्लिकेटिव रेप्लीकेटिव प्रोटीन ए ये जो आर पी ए होता है रेप्लीकेटिव प्रोटीन ए ये यूकेरियोस का मेजर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स डी एन ए बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है और ये क्या इसका फंक्शन होता है आर पी ए का जो फंक्शन होता है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए रिपेयर में रिकम्बिनेशन में सेल साइकिल और डीएनए डैमेज में ये चेक पॉइंट का काम भी करता है और एक्टिवेट करता है ये सिरिन थ्रियोनिन काइनेस ए टी आर को ए टी आर स्टैंड फॉर एटेक्सिया एटैक्सिया टैलान टैलान टेसिया एंड uh, हम इसको बोलते हैं रेड थ्री रिलेटेड प्रोटीन रेड थ्री रिलेटेड प्रोटीन और एफ आर ए पी रिलेटेड प्रोटीन फर्स्ट और एफ आर पी फर्स्ट भी बोलते हैं हम ए टी आर को ये सेल्स साइकिल चेक पॉइंट की तरह भी एक्ट करता है और ये डी एन ए डैमेज में uh, जब भी डी एन ए डैमेज होता है तो सेल सिग्नल देती है उस टाइम पर हमारा ए टी आर और ए टी एम जो है वो क्या होते हैं एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ पे जो ए है वो सीरिन थ्रियोनिन काइनीज है ए की मैं बात कर रही हूँ ये एक डी एम डैमेज सेंसर है जब भी डी एन डैमेज होता है तो ये ऐसे सेंसर एक्ट करता है ये एक्टिवेट करता है डिफरेंट सेल साइकिल चेक पॉइंट को और सिग्नलिंग देता है जब डी एन स्ट्रेस क्रिएट होता है जैसे स्ट्रेस जब क्रिएट होता है तो जो ए है यहाँ पर वो क्या करता है डिफरेंट चेक पॉइंट को सिग्नलिंग्स को जब भी जिनोटो सि जो स्ट्रेस क्रिएट होगा या आईनाइज आइनाइजिंग रेडिएशन प्रेजेंट होंगे या ड्राविटी रेडिएशन प्रेजेंट होंगे या डी एन एर रेप्लीकेशन में पोलिमरे स्टॉलिंग हो गया डी एन एर एप्लीकेशन स्टॉल हो जाएगा तो उस टाइम पर ये ए टी आर क्या होता है एक्टिवेट होता है सिग्नलिंग करता है ये रिकोगनाइज करता है एक कंसेंसन सिक्वेंस एस टी क्यू को जो एस टी क्यू है इसको ये रिकोगनाइज करके फोर्सो रिलेट करता है डिफरेंट प्रोटीन्स को लाइक बी आर सी ए फर्स्ट एंड सी एच ई के फर्स्ट एंड एम सी एम टू रेड सेवन सेवेंटीन आर पी ए टू एंड एस एम सी फर्स्ट एंड पी फिफ्टी थ्री जो हमारा एपोप्टोसिस uh, में हेल्प करता है उन और सेल डेथ में हेल्प करता है तो उन सब प्रोटीन स्कोर जो ये ब्रेस्ट कैंसर में हेल्प करता है बी सी आर ए वन जो ब्रेस्ट कैंसर कर देता है अगर इम प्रॉपर प्रेजेंट प्रेजेंस हो ऑपरे इसकी या फिर ये जो म्यूटेशन क्रिएट हो रखी हो बी सी आर ए फस्ट में और डिफरेंट जो रेप्लिकेटिंग प्रोटीन एक्टिवेटिंग प्रोटीन है उनको एक्टिवेट करता है ये ए टी आर और सेकेंड यहाँ पे ए टी एम है ए टी एम एटेक्सिया टेलनजैक्टेसिया म्यूटेटेड जो है ये ए टी एम है और ए टी एम जो है इसको हम रेगुलेटरी प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि सेल साइकिल टाइम पे भी ये बहुत सारे प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है और सेल्स ये एक ऐसा प्रोटीन है जो ये देखता है कि कितना रेट है सेल साइकिल का और सेल डिवीजन का ये नॉर्मल डेवलपमेंट में हेल्प करता है ये सेल को असिस्ट करता है टू रिकोगनाइज सेल डैमेज और डी एन ए डैमेज इन द सेल और ब्रोकन डी एन ए स्ट्रेंड को ये रिकोगनाइज करता है ये भी एक सीरिन थ्रोनिन काइनेस फैमिली से रिलेट करता है तो दोनों कब एक्टिवेट होंगे या तो डीएनए में ये तो डिफरेंट जब एक जो जिनसपाथवे होंगे तब उसकी वजह से डीएनए डैमेज होगा तब एक्टिवेट होगा एटीएम तब एक्टिवेट होता है जब जो डीएनए स्ट्रैंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है सेल साइकिल के टाइम पे डीएनए में डैमेज आ रहा है या प्रोटीन सिंथिसाइज़ नहीं हो रहा है या नॉर्मल सेल डेवलपमेंट नहीं हो रही उस टाइम पर ए टी एम यहाँ एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद ये एम फर्स्ट को क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं और फिर इसके बाद जो एम डी सी वन जब एक्टिवेट होता है ये क्या है एम डी सी वन एम डी सी वन स्टैंड फॉर मेडिएटर एम स्टैंड फॉर मेडिएटर डी स्टैंड फॉर डी एन ए डैमेज एंड सी स्टैंड फॉर चेक पॉइंट फर्स्ट तो ये क्या है डीएनए डैमेज का ये है कि मेडिएटर है मीन्स मेडिएटर किसका डिफरेंट चेक पॉइंट्स का जब डीएनए एन डैमेज होता था उस टाइम पे तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डीडीआर में डीडीआर डी डे, डीएनए डे, मीन्स डैमेज रिस्पांस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो जो एम सी एम डी सी फर्स्ट है ये बस रिक्रूट नहीं कर रिक्रूटेड नहीं किया जाता ब्रेक uh, uh, पे ब्रेक साइट पे और डी एन ए डबल स्टैंडर्ड ब्रेक पे बट इसके अदर इम्पॉर्टेंट रोल भी होते हैं ये बहुत सारे अदर डी डी आर प्रोटीन्स को और डी एन ए डैमेज रिस्पॉन्स प्रोटीन्स को डी एन ए डैमेज साइट पर ये रिक्रूट करता है जैसे बी आर सी ए फस्ट को ये रिक्रूट करता है और फिफ्टी थ्री बी पी फर्स्ट को ये रिक्रूट करता है और ये रिक्रूट करता है यहाँ पे एम आर ई एम आर ई एवन रेड फिफ्टी एन बी एस फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं एम आर एन एम आर एन कॉम्प्लेक्स जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं उसको भी ये रिक्रूट करता है और इट और ये जो जो डाउन रेगुलेशन है एम डी सी फर्स्ट के जो मेडिएटर है डी एन ए डैमेज चेक पॉइंट फर्स्ट का ये मल्टीपल फिनोट टाइप्स को डाउन जो है कॉज करता है और डाउन रेगुलेशन ऑफ एम डी सी फर्स्ट केसेस मल्टीपल फिनोटाइप्स मल्टीपल फिनोटाइप्स में क्या आता है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ सेल टू डबल स्टैंड ब्रेक इंक्लूडिंग कंडीशन जैसे कि एक्सपोजर uh, हो गया आइनाइक रेडिएशन से आइनाइजिंग रेडिएशन से इम्प्रॉपर एक्टिवेशन हो गया डीएनए डैमेज का स्पेसिफिक सेल साइकिल के टाइम पे जैसे जी टू uh, से एम में एंटर कर रही है जब सेल या फिर इंट्रा एस फेस चेक पॉइंट में यह एक्टिवेशन करता है डीएनए डैमेज इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस का या और इन एफिशियंट फोर्स हो जाता है डी डी आर रेगुलेटर्स का डी एन ए डैमेज रेगुलेटरी प्रोटीनस का जैसे सी एच के है तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए डैमेज के टाइम पे और ये जो फिफ्टी थ्री बी पी फर्स्ट है जो एम डी सी फर्स्ट के थ्रू एक्टिवेट किया जाएगा डी एन ए रिपेयर फैक्टर होता है ये डिसोशिएट ये सॉरी ये एसोशिएट होता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स के साथ कब होता है जीवन फेज में होता है जब सेल साइकिल चल रही होती है मैं हो रहा होता है तो उस जीवन फेज में होता है जो कि इंटरफेज में आता है तो जीवन फेज में होता है प्रमोट करता है नॉन जो होमोलोगस एंड जॉइनिंग क्योंकि तब तक जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और वो अलाइंग नहीं हो पाते मतलब नॉन होमोलोगस सॉरी जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो अलाइग नहीं हो पाते इस वजह से ये नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग करता है और उसके थ्रू रिकम्बिनेशन करता है और जो बी एल एम है ये मोस्टली इस्ट में मिलता है ये स्टूमुलेट करता है रिसेक्शन डबल डी एन ए डबल स्ट्रैंड ब्रेक की कैसे करता है कि फाइव प्राइम और थ्री प्राइम सिंगल स्टैंड डी एन ए न्यूक्लियस के रिएक्ट करता है और येल्ड करता है थ्री प्राइम सिंगल स्टैंड टेल पर जो थ्री प्राइम सिंगल स्टैंड जो टेल है उसका कोई डिग्रेडेशन नहीं होता है और उसका कोई प्रोसेसिंग में रोल नहीं होता तो यहाँ पर रिसेक्शन किसका करना होता है फाइव प्राइम एंड का करना होता है क्योंकि फाइव प्राइम एंड का रिसेक्शन नहीं होगा तो प्रोसेसिंग नहीं होगी और प्रोसेसिंग यहाँ पे जो है वो जब होगी उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स आएंगे जैसे रेड फिफ्टी वन एट्सेट्रा तो जो बी ए जो बी एल एम है यहाँ पे उसका जो मेन काम है वो डिस्प्लेसमेंट का है इनवेंडिंग स्ट्रेंथ को डिस्प्लेस करता है डीएनए के और डीएनए डिस्प्लेसमेंट लूप को फॉर्म करता है ये एक हेलीकेस प्रोटीन की तरह एक्ट करता है बी एल एम तो जब अगर यहाँ पर सेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा होमोलोगस रिकम्बिनेशन के टाइम पे और परॉपरली कंप्लीट नहीं होता रिसेक्शन तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड एनिलिंग हो जाती है और माइक्रो होमोलोजिन मेडिटेड एंड ज्वाइनिंग हो जाती है तो एक एरर प्रोन प्रोसेस है जिसकी वजह से म्यूटाजेनिक डबल स्ट्रैंड ब्रेक की जो रिजोइनिंग होती है वो म्यूटाजेनिक होती है मतलब उससे डिफरेंट म्यूटेशन आ जाती है और वो एबनॉर्मल होती है बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट आ जाते हैं बट अगर ये जो रिसेक्शनिंग है ये प्रॉपर हो रखे होते हैं तो यहाँ पर रेड फिफ्टी वन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यू में और होमोलोगस रिकम्बिनेशन है मीन्स ये जो पार्ट है ये हमें Uh, समझना है कि ये कैसे होता है तो यू कैरूट्स में क्या होता है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जो है वो एक्जोजीनियस एंडोजीनियस पाथवे के थ्रू क्रिएट किए जा सकते हैं नहीं तो वो रीप्रोग्रामिंग करके एस पी ओ इलेवन प्रोटीन के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं तो जो एस पी ओ इलेवन सिंगल स्टैंड रीजन जब क्रिएट कर देता है तो वो उसकी जो रिस असेंबली है वो करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए होता है आम एम आर एक्स एम आर एक्स एनजेम कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है जो स्टैंड एक्सचेंज करेगा म्योटिक रिकम्बिनेशन के टाइम पे uh, तो ये जो एम आर एक्स वन है ये कोई एक सिंगल यूनिट वाला प्रोटीन है इसमें मल्टीपल यूनिट होती है कौन कौन सी होती है एम आर ई एलेवन रेड फिफ्टी होती है इसमें और होती है एक्स आर एस टू तो ये जो एम है आर है और जो एक्स है इसी से इसका नाम पड़ा है एम आर एक्स कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेसिंग है डी एन ए की ब्रेक साइड पर वो एक्स एक्सक्लूसिवली ओकेर होती है डी एन ए स्टैंड में जो टर्मिनेट करती है विथ फाइव प्राइम एंड दैट इज द स्ट्रैंड स्ट्रैंडलेंटली अटैच टू एस पी ओ इलेवन प्रोटीन उसी पे होगा फाइव प्राइम एंड जनरेट तो जो डीएनए स्ट्रैंड है वो टर्मिनेट हो रहा है जो थ्री प्राइम एंड से वो डिग्रेड नहीं होगा तो यहाँ पे जो डीएनए प्रोसेसिंग है उसके लिए क्या चाहिए फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम रीसेक्शन सेक्शन चाहिए और वो रीसेक्शन क्रिएट किया जाता है एम आर एक्स के थ्रू किसके थ्रू एम आर एक्स के थ्रू ये एम आर एक्स डिपेंडेंट फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम रीसेक्शन होता है जो सिंगल स्टैंड डी एन ए टेल जनरेट करता है विथ थ्री प्राइम एंड डेट आर ओफन वन के बी और इन लेंथ तो यहाँ पे जो एम आर एक्स है वो किसको रिमूव कर रहा है वो यहाँ पे रिमूव कर देता है एस पी ओ इलेवन को यहाँ पे रिमूव कर देता है दो अदर प्रोटीन होते हैं जो इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं म्यूटिक कम्बिनेशन में वो होती है रेड फिफ्टी वन और एक होता है डी एम सी फर्स्ट

और मैनी अदर प्रोटीन्स भी हैं जो रिकम्बिनेशन प्रोसेस में काम करते हैं ये प्रोटीन फंक्शन करते हैं मल्टी कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जिसको हम रिकम्बिनेशन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं जो कि यहाँ पे शो किया गया है कि भाई ट्रा भी एक्ट करेंगे ट्रांसलोकेस भी एक्ट करेंगे डिफरेंट मेडिएटर भी एक्ट करेंगे जो कि आर ए डी फिफ्टी वन की असेंबली करके यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे और होमोलोगस होमोलोग रिकम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो जहाँ पे मैंने जब जो बात की, की तो Red 51 एक तो रेड फिफ्टी वन एक्ट करता है एक एक्ट करता है डी एम सी फर्स्ट दोनों क्या करते हैं कोलोकलाइज करते हैं म्यूसिस के टाइम पे और जो अदर जो जो रेड फिफ्टी टू भी यहाँ पे एक्ट करेगा रेड फिफ्टी टू जो कि यहाँ पे शो किया गया रेड फिफ्टी टू जो एक्ट करेगा वो इंट्रैक्ट करेगा रेड फिफ्टी वन के साथ जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर शो कर रखा है जिसमें कॉम्प्लेक्स बन रहा है रेड फिफ्टी वन का रेड फिफ़्टी वन का बी आर सी ए टू रिपीट मोटिव का और यहाँ पे क्या शो कर रखा है कि जो uh, Uh, यहाँ पे कंजर्व रिपीट सीक्वेंस शो कर रखा है जिसको बी आर सी मोटिव बोलते हैं और मेजर शाइड शो कर रखी है इंट्रेक्शन की विथ आर रेड फिफ्टी वन इन से जो बी आर सी रिपीट फोर है वो यहाँ पे बाइंड कर रखा है रेड फिफ्टी वन के साथ हाई एफिनिटी के साथ तो जो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है इसमें जो हमारा रेड फिफ्टी वन है वो ये शो कर रखा है मतलब जितने भी पर्पल कलर में शो कर रखा है वो रेड फिफ्टी वन है हमारा और जो ब्लू है वो बीटा स्ट्रैंड है और अल्फा स्ट्रैंड है जो रेड फिफ्टी वन का वो है वो आ, यहाँ पे पर्पल कलर में और ब्लू कलर में जो है वो बीटा स्ट्रैंड है रेड फिफ्टी वन का और यहाँ पे जो बी आर सी रिपीट सिक्वेंस है वो यहाँ पे ग्रीन सिक्वेंस में है ये है बी आर सी सिक्वेंस बी आर सी ए टू सिक्वेंस जो कि ग्रीन सिक्वेंस में शो की है तो ये कॉम्प्लेक्स शो कर रखा है कि कैसे डिफरेंट प्रोंट प्रोटीन्स बाइंड करते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर और ये शो कर रखा है कोलोनालाइजेशन रेड फिफ़्टी वन की डी एम सी फर्स्ट की ये कैसे मर्ज होते हैं कि ये प्रोटीन जो शो किए गए हैं ये एमिनो स्ट्रेनिंग के थ्रू शो किए गए हैं विद फ्लोरोसेंटली लेबल एंटीबॉडीज़ और ये एंटीबॉडीज़ रेड फिफ्टी वन के लिए ग्रीन ली गई है डी एम सी के लिए जो है वो रेड लगी है तो ये जब ये कॉलोनीज फॉर्म करते हैं तो ये येलोइश ये कलर में अपीयर होते हैं क्योंकि जो रेड फिफ्टी वन है वो डी एम सी जो है वो मैंने यहाँ पे बात की कि वो दोनों ही को लोकलाइज करते हैं दोनों सेम टाइम पे लोकलाइज करते हैं यूसिस के टाइम पे और जो यहाँ पे रेड फिफ्टी टू होता है वो इंट्रैक्ट करता है रेड फिफ्टी वन से और ये जो रेड फिफ्टी टू है ये असेंबली करता है रेड फिफ्टी वन की के डी एन रेड फिफ्टी वन की ताकि रेड फिफ्टी वन डी एन ए फिलामेंट से और एक्टिव फॉर्म में बाइंड हो जाए और रेड फिफ्टी टू जो है वो आर पी ए आर पी ए क्या था रेप्लीकेटिव प्रोटीन ए e, जो रेप्लीकेशन में भी हेल्प करता है म्योसिस में भी हेल्प करता है डी एन ए रिपेयर में भी हेल्प करता है उसका एंटागोनिस्ट होता है ये आर रेड फिफ्टी टू और ये प्रमोट करता है एनीलिंग प्रोसेस और बेस पेयरिंग कम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की जैसे कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जनरेट हो रहा है तो उसकी एनीलिंग करेगा ये कम्प्लीमेंट्री बेस फ्यूम करके तो जो ये यहाँ पे रेड फिफ्टी टू है ये मेजर रोल प्ले करता है सिंगल स्टैंड पेयरिंग रिएक्शन में जो रिकम्बिनेशन के टाइम पे जब रिकम्बिनेशन इनिशिएट होता है तो उस टाइम पे होती है फिर दूसरा प्रोटीन यहाँ पे क्या है बी आर सी ए टू यह क्या है ट्यूमर सुप्रेसर जीन ये इंट्रैक्ट करता है रेड फिफ्टी वन के साथ इंट्रैक्टर ये सभी रेड फिफ्टी वन के साथ मेडिएटर का काम करते हैं उसके साथ असेंबली करके तो ये इंट्रैक्ट करता है उसके साथ और कंट्रोल करता है जिनोम की स्टेबिलिटी ये रेड फिफ्टी वन मेडिएटेड डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर मैकेनिज्म में एक्ट करता है ये बी आर सी ए टू ह्यूमेंस केस में जब बी आर सी ए टू में म्यूटेशन आ जाती है तो फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर हो जाती है कैसे क्योंकि जब डीएनए डैमेज होता है ना तो रेड फिफ्टी वन जो फोकस है वो उसकी असेंबली नहीं हो पाती तो जो सॉरी जब डीएनए एन डैमेज होता है तो जो रेड फिफ्टी वन है उसका जो फोकस है वो असेंबल कर जाता है एक जो कॉम्प्लेक्स में जो एक्टिवेट करता है डिफरेंट रिपेयर मैकेनिज्म को डीएनए डैमेज के टाइम पे बट जिस सेल्स में ये जो बी आर सी ए टू हमारा क्या होगा म्यूटेट फॉर्म में होगा तो वो असेंबली नहीं हो पाती उस लोकस पे जहाँ पे डी डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से जो डिफेक्ट है डी में डी ब्रेक जो हो रहा है वो रिपेयर नहीं हो पाता और यहाँ पे अदर जो कॉम्प्लेक्स हैं रेड फिफ्टी वन के साथ वो होते हैं रेड फिफ्टी वन सी बी होता है रेड फिफ्टी वन ए पी ए फर्स्ट ए पी ए ए पी वन है यहाँ ए एप ए एप्रिमिनिक फर्स्ट एंडोनुक्लियज है और यहाँ पे रेड फिफ्टी वन सी कॉम्प्लेक्स जो है और एक सेकेंड प्रोडक्ट होता है यहाँ पे एक्स आर सी सी थ्री एक्स आर सी सी थ्री जो कि यहाँ पे शो किया गया है ये सब क्या है ये होलीडे जंक्शन में रिजोलवेज एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और ये हमारी हेल्प करते हैं रिकम्बी होमोलोगस रिकम्बिनेशन में एक होता है यहाँ पर रैक क्यू रेक क्यू होता है रैक क्यू जो प्रोटीन है वो है रैक क्यू तो जो रेक क्यू जो प्रोटीन है वो भी ऐसे हेलीकेस एक्ट करता है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन में जब डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट होते हैं उसको रिपेयर करने में म्यूसिस के टाइम पे ह्यूमंस के केस में अल्टरनेटिव प्रोसेस होती है रिजोल्व करने के लिए डबल होलीडे जंक्शन को उसमें इन्वॉल्व होता है हमारा रेक्यू हेलीकेस ठीक है ये टोपो आइसोमरेस की तरह ही एक्ट करता है और ये एक्ट करता है टोपो आइसोमरेज के साथ दिस मैकेनिज्म में इस ए डबल जंक्शन डिसोल्यूशन जब ये एक्ट करता है टोपो आइसोमरेज के साथ कंसर्ट में एक्ट करता है तो इस मैकेनिज्म को हम डबल जंक्शन डिसोल्यूशन बोलते हैं और ये फ्लैंकिंग सिक्वेंस के एक्सचेंज को प्रिवेंट करता है ये रैक क्यू हेलीकेस तो जो थ्री ऑफ दिस हेलीकेस आर फाउंड इन ह्यूमन आल्सो और कौन कौन से होते हैं रैक क्यू हेलीकेस वो होते हैं बी एल एम जो कि यहाँ पे शो किया था हमने डब्लू आर एन आर टी एस या आर ई सी क्यू फोर बी एल एम डब्लू आर एन रैक जो एक होगा हमारा आर ई सी क्यू फोर ये थ्री हमारे रेक क्यू हैं हेलीकेस जो रिजोल बेस एक्टिविटी करते हैं और ये ह्यूमस में प्रेजेंट होते हैं तो जैसे ही हमारे ये हैं बी एल एम डब्ल्यू आर एन और आर टी एस और रेक Uh, Q4 ये जो हैं इनमें जब म्यूटेशन होती है तो ये एसोशिएट होते हैं डिफरेंट सिंड्रोम से जैसे W सॉरी बी एल एम है वो बूम सिंड्रोम करता है डब्लू आर एन जो है वो क्रिएट uh, करता है वर्नर सिंड्रोम और जो आर टी एस है और रेक क्यू है वो करता है थॉमसन सिंड्रोम और रथमंड टू प्री मेचोर एजिंग एंड ट्यूमरोजेनेसिस कैसे करता है ये जो रैक uh, क्यों होता है ये डीएनए एन ये कंजर्व है बैक्टीरिया टू ह्यूमेंस तो जो रैक क्यू के हैं वो फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं अर्ली और लेट स्टेज में जब होमोलोगस रिकम्बिनेशन होता है उस टाइम पे तो ये जो प्रोसेस है और एडिशन है रिकम्बिनेशन रि एडिट करता है रिकम्बिनेंट इंटरमीडिएट को ये रैक क्यू रेक्यू जो प्रोटीन है वो और रेक्यू हेलिकीस तो ये क्या करता है कोलेप्स कर देता है जॉइंट मोलिक्यूल को बिफोर दी इस्टलिसमेंट ऑफ डबल होलीडे है, है जंक्शन इंटरमीडिएट जिसकी वजह से नॉन क्रॉस ओवर रिकम्बिनेंट जो है वो फॉर्म होता है जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं किस नेपस्ट होम के नॉन क्रॉसओवर जो पाथवे है वो हैलीकेस में जब हमारा डबल हेली है जंक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जैसे कि यहाँ पे हो रहा है ये डबल है, आ, जो Uh, हमारा होलीडे जंक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो उससे होने से पहले ही ये कोलेप्स कर देते हैं जॉइंट मोलिक्यूल को जिसकी वजह से यहाँ पे नॉन क्रॉसओवर क्या हो रहा है नॉन uh, क्रॉसओवर ओवर प्रोड्यूस हो रहा है पर इसकी भी एडवांटेज होती है नॉन क्रॉसओवर uh, जो uh, रिकम्बिनेशन है इसके अपने में एडवांटेज है ये जीन कन्वर्जन करता है और ये जीन कन्वर्जन जो है ये हैपन तब होता है जब एक, एक एलील जो होती है एक जीन की वो लॉस हो जाए या रिप्लेस कर दी जाए एक अल्टरनेट एलील के थ्रू तो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन सेल्स एंड क्रिएटिंग वेरिएशन एंड समटाइम म्यूटेशन आल्सो ह्यूमस के केस में ये जो तीन हेलिकेज हैं जो हमारा बी एल एम है डब्ल्यू आर एन है और रेक क्यू फोर है ये डिफरेंट सिंड्रोम क्रिएट करते हैं ब्लूम सिंड्रोम वर्नर सिंड्रोम रथ रथ मोड़ मंड थोमस सिड्रोम थोम्सन सिंड्रोम तो ये जो हैं इनका क्लिनिकल फीचर्स कैड वारफिजम करता है बिग नोज करता है नैरोफेस पिगमेंटेशन रेडनेस टाइलेटेड ब्लड वेसल्स और जो वर्न सिंट्रम इसमें बायलेट कैटरेक्ट होगा तो, हॉर्नस ये डिफरेंट यहाँ पे फीचर्स शो किए गए हैं कि क्या फ़ीचर उन आ, 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 ह्यूमन्स में क्रिएट होंगे जिनमें ये सिंड्रोम प्रेजेंट है और इसकी कैंसर डिस्पोजिशन क्या है इसमें अर्ली ऑन सेट होगा विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यू एंड टाइप इसमें अर्ली ऑन सेट होगा कैंसर का ऑफ प्राइमरी सार्कोमा एंड मेजन काइमल ट्यूमर्स मेनली वर्नर सिंड्रोम में होंगे और ओस्टियो होगी रत रतमोमंड

प्रोटीन्स की वो कैसे फंक्शन करते हैं और कौन कौन से प्रोटीन है जो रि होमोलोगसरी कम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जब हम यू कैरियोटिक होमोलोगसरी कम्बिनेशन की बात करते हैं सो इन माय अपकमिंग वीडियो आई विल टॉक अबाउट यू कैरियोटिक होमोलोगसरी कम्बिनेशन एंड बैक्टीरियल और प्रो कैरियोटिक होमोलोगसरी कम्बिनेशन इन केस ऑफ यू कैरियोटिक होमोलोगसरी कंबिनेशन आई विल टॉक अबाउट होलीडे मॉडल डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल एस टी एस ई पाथवे सिंथेसिस डिपेंडेंट स्ट्रैंड एंड ईलिंग मेडिएटेड होमोलोगसरी कम्बिक Combination or SSA single strand annealing pathway or BIR break induced repair pathway and in case of bacteria I will talk about REC BCD pathway REC F pathway and methods that facilitate genetic transfer like conjugation, transduction, transformation so my upcoming video will focus on this eukaryotic recombination that is homologous recombination because there are homologous recombination, non homologous recombination, site specific recombination or replicative recombination four types of main uh, recombination occurs in organisms. So, if you like my videos, then please thumbs up. And if you are not my subscriber, then please subscribe to my channel. And if you have any query, then write in the description box given below. Thank you so much for watching my videos.